पानी तो पी लो, ठीक हो जाएगा। अबे हैं? अरे अरे क्या हुआ है? खून की उल्टी हुई है, या तो कैंसर में हो सकता है या तो पॉइजन में हो सकता है, यही दो केस होते हैं खून की उल्टी के। गाइस अभी मैं खाना लेकर आया था, अभी इसे खून की उल्टी हुई है, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि तुमने खाने में कुछ मिलाया था। दो की वजह से फिर हो रहा है। अल्लाह रिशु। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, दिस इज मी जस्टिन रोमियो। स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। सो भाई आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, जो कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही होगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं सीपी। तो भाई बहुत टाइम हो चुका है यार, मतलब यार बैठ कर बातें नहीं करी हैं, और यार हम शूट के लिए जाते हैं, वीडियोस बनाने के लिए जाते हैं, तो आज हम कुछ भी नहीं करने के लिए जा रहे हैं, आज हम नॉर्मल घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी रिशु मिलने वाली है कश्मीरी गेट, तो मेरे साथ में जाने वाले हैं जिया भाई, और मुस्कान अभी रास्ते में मिलने वाली हैं। तो भाई जो भी होगा आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो आपको करना नहीं है ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप, एंड तक देखना है। एंड जो चैनल पर नए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर तुम्हारा भाई डेली अपडेट देता रहता है। तो भाई चलते हैं आगे, देखते हैं जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज ब्लॉग इसी टॉपिक पर है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं नॉर्मल, आज कुछ भी शूट नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो बनर और ब्लॉग में मिलते हैं आप सबसे, आगे चलते हैं। सो गाइस देख सकते हो भाई अभी तुम्हारा भाई पहुंच चुका है सीपी, और रिशु भी मिल चुकी है, और मुस्कान भी आ चुकी है, और दिया भाई को तो मैंने दिखाई दिया था। तो कैसे हो सब? बढ़िया भाई, तुम बताओ। तो तुम कैसी हो? तो अब बताओ कहाँ चलना है? पार्क। यार गाइस सच बता रहा हूँ, जब घर से निकलता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि भाई घर चले जाओ। भाई मन करता है कि यार घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो यार मौसम सही हो रहे हैं 11, तो अभी देखते हैं कहाँ चलेंगे, वहाँ आप लोगों को लेकर चलते हैं, जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई आपको करना नहीं है ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप, एंड तक देखना है, जब भी मजा आएगा। और ना आदम बिल्कुल भी ना कुछ शूट नहीं करेंगे, सिर्फ मस्ती करेंगे, मतलब वैसे लग नहीं रहा मस्ती करना, क्योंकि ना मैंने वेदर में चेक करा था, समोसा में इतना गंदा हो रहा है यहाँ पे। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, इन्होंने ही बोला था कि आज चल लेते हैं पार्क, चलते थोड़ा घूम के आते हैं, उसका रील वील फोटो शूट करते हैं, फिर पार्क चलेंगे। तो भाई जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं, सबसे पहले चलते हैं पार्क। देख सकते हो भाई वहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, जो भी होगा आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो भाई सुबह सुबह हो रही है भाई, कुछ भी नहीं है, अबे 11 बज रहे हैं, लेकिन आज हाँ लेकिन कोई भी नहीं है गाइस, आप देख सकते हो बिल्कुल सब कुछ, और भाई धूप देखो। तो गाइस चलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं पार्क चल के, और देखते हैं वहाँ कितनी गर्मी है, तो वहाँ चल के आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई अभी हम आ चुके हैं पार्क के अंदर, तो भाई यहाँ तो भाई बाहर से भी ज्यादा गंदी वाली धूप हो रही है, तो बस कहीं कहीं पे है जहाँ पर धूप नहीं हो रही है, वहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, ठंड आ जाए यार, ठंड में बहुत ज्यादा मजा आता है, मतलब जैकेट पहनो लुक भी अच्छा रहता है, और भाई भाई गरीब समझ रही है क्या अपनी तरह? तो भाई देखते हैं कहीं पर बैठ कर क्या और क्या, तो भाई देखते हैं कहीं पर बैठ के। तो दिया भाई कहाँ पर बैठे भाई? लूडो खेलते हैं हैं, बैठ कर खेलते हैं कहीं पर, हार जाएगी रो जाएगी क्या फायदा है, तो ये रो जाएगी फिर। तो भाई जो आज हारेगा ना वो खिलाएगा खाना, ठीक है? हैं बताओ नहीं नहीं जो हारेगा, चाहे रिशु हारे मुस्कान हारे तुम हारो मैं हारू, ठीक है? चलो ठीक है, पक्की बात। तो गाइस देखते हैं कहीं पर बैठ कर खेलते हैं, नहीं भाई ब्रेड पकौड़ा भाई वो सबसे बेस्ट चीज है मुझे यहाँ की, सबसे बेस्ट है, कौन जीतता है तो भाई अभी ना देखो गाइस, देख सकते हो भाई धूप आना स्टार्ट हो गई। तो गाइस देख सकते हो भाई अभी हम बैठ चुके हैं जहाँ पर थोड़ा सा सुकून है, यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही है और इतनी गर्मी नहीं है, और भाई जिया भाई को देखो भाई इतनी गर्मी हो रही है गाइस, आप लोग खुद देख लो, और रिशु ये देखो नींद आ रही है इन्हें यहाँ पर अभी। तो भाई अभी हम खेलने वाले लूडो, लूडो खेलने के सबसे ज्यादा लास्ट में निकलेगा ना उसे खाना खिलाना होगा सबको, ठीक है? और भाई जो हर बार खाते हैं ब्रेड पकौड़ा वही खाएंगे, तो जो भी होगा बस बने रहो, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लगाते हैं गेम और जो भी होगा दिखाते हैं आप लोगों को कौन हारने वाला है, तो उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो बने रहो व्लॉग में, देखते हैं आगे क्या होगा। देख सकते हो भाई हमने लूडो लगा लिया, और भाई मेरा कलर है ब्लू, और रिशु का है येलो, और जिया भाई का है ग्रीन, और मुस्कान का है रेड। तो भाई सब रेडी हो? रेडी बिल्कुल भाई, देखते हैं कौन हारेगा, ठीक है? तो भाई देखते हैं कौन हारने वाला है, तो देखते हैं आप लोगों से मिलता होने के बाद। तो गाइस देख सकते हो भाई रेड सबसे पहला विनर है मुस्कान, ठीक है? और दूसरा विनर है
है जिया भाई, ठीक है। तीसरा विनर है तुम्हारा भाई और चौथा विनर है रीशु। ये लूजर, लाओ पैसे दो, पैसे दो भाई। कौन जीता कौन हारा आप लोगों को दिखा दिया, तो रीशु हारी है। हाँ तो चले चले भाई, पेट भर के खाएंगे, गरीबों की दुआ मिलेगी आज। हाँ तो चले हैं, यहीं क्यों खाओगी, यहाँ नहीं चल रहे। तो यहाँ लेकर कौन आएगा, ऑर्डर देंगे क्या हम? अरे जल्दी बताओ, चलो खड़ी हो। अभी रो रही है। हाँ तो सबसे स्टार्टिंग में भाई पांच छह बार मेरी मारी, दो तीन बार मुस्कान के जस्टिन भाई की, 10 बार मगर एंड मार के ओ। क्या मैं लेकर आ जाऊँ? तो भाई मैं तो वही खाऊंगा। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम एक KFC मुझे तो खाने को मिल जाए, मैं तो कहीं भी रेडी, डोमिनोज में भी चलने को तैयार हूं। चल यही बैठी हो तो हम लेकर आए, यहाँ खाओगी तो चले हम सब। ये तो यही बैठी है, हैं? अब ये भी मना कर रही है, चलो ना। हम दोनों चले लेना, अब पैसे ले लेते ना इनके लिए, लेकर आ जाएंगे हम। चलो ठीक है, चलो हम चल रहे हैं, आओ भाई। आज हम खाने वाले हैं ब्रेड पकोड़े, वो भी पेट भर के, ठीक है। तो हम वहीं खाकर आ जाएं या यहीं लेकर आए? तो गाइस ठीक है, हम लेकर आ जाते हैं। मैं और दिया भाई जा रहे हैं लेने के लिए, और भाई धूप ना बहुत ज्यादा हो रही है, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आया गेम खेलने के बाद में। तो अभी चलते हैं, ब्रेड पकौड़ा लेकर आते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। और भाई रीशु से बोले हैं अभी भाई पैसे ट्रांसफर करने के लिए, देखो कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो पहले देखते हैं वहाँ पर कितना बिल बनता है, तो बने रहो व्लॉग में। तो गाइस देख सकते हो भाई, अभी हम आ चुके हैं ब्रेड पकौड़ा लेने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। और भाई अभी ब्रेड पकौड़ा लेकर चलते हैं, और जो भी होगा आप लोगों को दिखाते हैं। तो रीशु की अभी कॉल आई थी, वो बोल रही थी जूस लेकर आ जाना, बट यार यहाँ पर कहीं जूस की शॉप नहीं है, तो भाई मैं कैसे लेकर जाऊँ? तो भाई ब्रेड पकौड़ा पैक करवा लिए, रीशु अभी पैसे करवा रही है पेटीएम। तो देखते हैं अभी भाई हो रहे हैं गर्म हो रहे हैं, तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं जो भी होता है। तो ब्रेड पकौड़ा ले लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। हाँ चल चल फेंक दे। हाँ भाई हाँ यार, मुंह में भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल रेड हो गया, जी जी। तो कोई नहीं, अब वो आते हैं, उसका वेट कर लेते कि कितने देर में वो लोग आते हैं। और बिल्कुल करेंगे, हमने यहाँ इसलिए करा क्योंकि वहीं पे बैठ के तो हम खाएंगे, तो लोगों को डाउट हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं उनके आने के बाद। देख सकते हो भाई हमने ब्रेड पकोड़ा ले लिया, तो भाई चलते हैं उनके पास में। और भाई गर्मी ना यार बहुत ज्यादा हो रही है, तो रीशु का बिल बन गया है 150 रुपए का। तो बेचारी हार गई, बोल तो बहुत रही थी कि वो हारेंगे ये हारेंगे, तो भाई कुछ नहीं पता होता कब कौन हार जाए। तो भाई मजा आया गेम खेल कर, तो भाई चलते हैं उनके पास, वहाँ चल के आप लोगों से मिलते। तो भाई वहाँ पर जूस तो मिला नहीं था, मैंने सोचा आइसक्रीम ले लेता हूँ, तो देखो वो बैठी हुई है दोनों। तो चलते हैं भाई और खाते हैं, भाई भूख लग रही है यार बहुत तेज वाली। गाइस देख सकते हो भाई आइसक्रीम मिल गई थी, भाई जूस तो मिला नहीं था, तो सॉरी यार मिल नहीं रहा था। गाइस अभी मिलते हैं आप लोगों से, खाना निकालते हैं उसके बाद में। गाइस देख सकते हो भाई ब्रेड पकौड़ा तुम्हारे भाई ने निकाल लिया और सबने निकाल लिया, और रीशु ने बोला था कि मेरा अलग से लेकर आना, सब्जी अलग डलवाना और ब्रेड मेरा अलग लेकर आना। तो भाई तुम्हारा भाई तो मिक्स करवा कर लेकर आया था पैक करवा के, और रीशु ने बोला था अलग लेकर आना। भाई खा लेते हैं, खाने के बाद में जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा था मैं तुमसे,
क्या वैसे ही मंगवा लो सब्जी वाला। चलो गाइस खा लेते हैं, खाने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई हम लोगों ने खा लिया, जैसा कि आप देख सकते हो भाई ये भी उठा लो यार, ये भी फेंक देंगे डस्टबिन में। तो भाई अभी हम पानी की बोतल भरने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद में जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो तो आप क्या हार गए इसीलिए? गर्मी हो रही है, हाँ लेकर आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पानी की बोतल भरने के लिए। क्या कुत्ते पे चढ़ जाओ? नहीं नहीं, तो भाई पानी की बोतल भर कर लाते हैं, उसके बाद में जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई रीशु को भाई गेम हारने का बहुत ज़्यादा सदमा लग चुका है क्योंकि वो गेम हार गई थी। तो भाई चलते हैं पानी की बोतल भरते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो इसे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो भाई ये रहा डस्टबिन, डाल दो इसमें। ऐसे उधर उधर कूड़ा मत फेंकना गाइस, आप लोग भी बता रहा हूँ, कभी आप लोग सुनने बोल रहा खाली डस्टबिन में फेंका करो भाई, हमारी शहर को साफ सुथरा करो। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो भाई पानी की बोतल भर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। दिख रहे हैं? बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। हाँ जूम करके देखते हैं। देखा वो पानी लेने जा रहे हैं, तो मैं पी लेते, मैंने तो थोड़ा सर में, सच बता रही हूँ मेरे सर में पेट में दर्द हो रहा है, बस कह रहा है कि मैं ब्रेड पकौड़ा खाती हूँ, मैंने आज ब्रेड पकौड़ा खा लिया तो मैं भर लेती हूँ अपने मुँह में, और एकदम सुखो के ना ये भी बैठ जाऊँगी, तो पानी लोग मेरा साथ देंगे। अभी मतलब जैसे वो आते हुए दिखेंगे ना तो भर लियो, क्योंकि कहीं पता लगे सच में उल्टी हो जाए मुंह में रख के। अभी ये सब पी जा, बहुत गंदा है यार ये तो, बहुत ज्यादा दिख रहा है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, वीडियो तो मैं छुपा रही हूँ, अभी फेंक दे फेंक दे, अंदर फेंक दे ना। हाँ बात करो, बैठ वीडियो बस ऐसे चल, ऐसे दिखा दूंगी ना कि मैं पबजी खेल रही हूँ। पानी देना, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया देख सकते हो भाई, अभी तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है पानी, और रीशु की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ? क्या हो गया? लो लो पानी पियो। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे क्या हो गया रीशु? रीशु क्या हो गया? रीशु लो पानी पियो ना। क्या खाने में मतलब? हाँ सबने ही तो ब्रेड खाया। लो पानी पियो। अरे क्या हो गया है बे? लो। अरे मैंने कुछ करा है क्या? घर चलना है, लो पानी तो पियो। ले पानी तो पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। क्या हो गया? अरे मैंने कुछ करा है क्या? रीशु क्या हो गया? घर चलें? ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? क्या हो गया रीशु? पानी तो पी लो, ठीक हो जाएगा। अरे अरे क्या हुआ है? अबे रीशु क्या हुआ? रीशु ब्लॉग तो बंद करो यार, हद है। अबे इसको देख लो पहले। रीशु रीशु क्या हो गया? मैं मुंह में से खून देखो। अरे खून है ये, उल्टी थोड़ी है। इसने ही तो बोल। क्या हो गया बाबू? बाबू क्या हो गया? बैठ जाओ बैठ जाओ। अबे
अबे यार पागल हो क्या, मैं खाने में क्यों कुछ मिलाकर लाऊंगा? भाई सही बता दो, मिलाकर लाओ क्या कुछ? अबे यार तुम भी तो यार मेरे साथ में थे जब मैं बराबर वाली दुकान पे आइसक्रीम लेने गए थे, कुछ करा तो नहीं था तुमने? अबे भाई क्या तुम उसे कहने देते, छोला वो करके दे दो, कुछ छोले वो करके दे दो। चलो दवाई लेने चलो डॉक्टर के पास। तुम इतना वो दिखाओ, तुम बताओ क्या मिला था तुमने? अबे यार पागल हो क्या, रुको मैं फोन करता हूँ। ले भी नहीं रहता मेरा, ये किसको फोन करता हूँ क्या? मेरी मम्मी को फोन करता हूँ। मेरी मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो तुम, लगे रहे हो तो? अबे यार खून की उल्टी हो रही है तुम्हें, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने खून लग रहा है। अरे मुझे लग रहा है तुम उसकी दुकान पे जस्टिन भाई बता नहीं रहे हो तुम यार। अबे यार तुम यार ऐसे मत किया करो यार, वो भी मजाक मत करो। अबे यार इसमें कौन सी यार, ये तुम खून की उल्टी हुई है, ये नॉर्मल बात तुम मजाक समझ रहे हो? खून की उल्टी हुई है या तो कैंसर में हो सकता है या तो पॉइजन में हो सकता है, यही दो केस होते हैं खून की उल्टी के लिए। तो यार मैं क्यों मिलाऊंगा, कैंसर तो है नहीं। और कौन मिलाएगा और कौन खाना लेकर आया है, झूठ बोले यार हो यार। और अलग ले आना, मेन दिक्कत तो ये अलग क्यों लेके आए यार तुम लोग? मैंने ये बोलते सबके, तुम सबके ब्रेड पकौड़े अलग है, सब्जी अलग, तो मैं भी तो वही खा रही थी। नाटक कर रहे हैं, पता है मेरे को पता है। तो आलू की सब्जी थी तेरे, मैंने थोड़ी ना यार कुछ करा है। छोले में देखा था लाल लाल कलर का, कलर देखा था ऊपर हो रहा था ना, उसका नहीं हो रहा था। अबे यार तुम मुझे वो बोले जा रहे हो भाई, तुम करके लाओ, अभी तो बोल रहा हूँ मैं थोड़ा डॉक्टर के, तुम्हारा धनी जाना मुझे ले जाएगा। अरे आता हूँ मुस्कान, तुम ले लो, चलो बैठो बैठ जाओ। ब्लॉग में दिखाता क्या है, ब्लॉग ब्लॉग हटाओ ना, ब्लॉग बंद करो ना, ब्लॉग के पड़े यारी बार बार हटाओ। अबे यार मैं, अबे यार मैं मुझे बोल रहा हूँ। अबे यार मेरे ऊपर गाइस, गाइस अभी मैं खाना लेकर आया था, अभी इसे खून की उल्टी हुई है, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि तुमने खाने में कुछ मिलाया था। दो अबे मेरे से मत करो रिशु गाइस, ये मेरे ऊपर बताओ। हमें तो नहीं हुआ ठीक है, तुम लेके आए अलग लेके आए, तुमने ही कुछ किया होगा ना, बंदी तो यही समझेगी ना, तुम उसके लिए खाना अलग क्यों लेके आई ये बता दो। गाइज अब उसे पता नहीं गर्मी की वजह से मत बनाओ भैया उसको, यार मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो आप लोग। इधर आओ सुनो मेरी बात, इस तरफ देखो, कभी क्या होता है ना कि जब हम सीरियस होते हैं ना तो किसी को देखो फिर हो रहा है अल्लाह रिशु। गाइज मैं आप लोगों को बाद में मिलता हूँ, ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ। तो खाने में डालने से पहले सोचना चाहिए था यार, मैं खुद बात नहीं, हम भी दोस्त हैं, हम कर लेंगे भाई, जाओ यहाँ से अपने घर जाओ, यहाँ से जाओ, नहीं आ जाओ, चलो चलो यार रिशु, चलो यार डॉक्टर के पास चलो यार रिशु, क्या हो गया है? जाओ जस्टिन भाई घर जाओ, अपने लड़ाई हो जाएगी वरना बिन मतलब में। हाँ तो अब तो फटेगा ही ना तबे, तुम मैं ब्लॉग ब्लॉग कर जा रहे हो। गाइस देख सकते हो जस्टिन रोमियो के साथ प्रैंक हो चुका है ये, मेरा सर फट रहा है, गाइस मेरा सर फट रहा है, मेरा सर कैसे कैसे मेरा सर फट रहा है भाई, मेरा सर फट रहा है। बीटरूट है, बीटरूट चकुंदर चकुंदर। अबे यार जस्टिन भाई ये जस्टिन यार मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मेरे को नाम लगा देना उसमें भी व्लॉग ताकि पता लग जाए कि तो भाई मैं अपनी पब्लिक को दिखाऊंगा, क्योंकि यार पब्लिक सॉरी बोलो गलती नहीं यार मैंने कुछ भी नहीं करा गाइस, आप लोगों से भी थोड़ी मजा आया होगा वैसे भी। तो गाइस देख सकते हो मेरे ऊपर इतना गंदा प्रैंक करा है ना इसने, तो भाई मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, और ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि भाई तुमने तो ये जूस मंगा रही थी और भाई ये जूस लेकर आई और इसने ऐसा ऐसा करा, तो भाई बहुत ज्यादा बुरा लगा और मतलब यार बहुत ज्यादा डर गया था मैं, तो भाई ये भी मुझे ब्लेम कर रहे हैं और ये भी भाई सब कर रहे हैं, भाई मैं अकेला बंदा क्या करूं, मैं घबरा गया। तो ये बोतल में किसने दिया? तो अब कहाँ चले? घर का
घर। तो गाइज आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा जब हमने गेम खेले थे, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आया। तो भाई रिशु हार गई थी बेचारी, है ना? तुम हार गए थे। अभी यार मैं डर गया था, हारा नहीं था। अब यार बिल्कुल रियल लग रहा है गाइज। चलो गाइज आज का व्लॉग हम ये एंड करते हैं। भाई इतना गंदा प्रैंक करा तुम्हारे भाई के ऊपर, तो भाई सच में बहुत ज्यादा मतलब डर गया था तुम्हारा भाई। तो गाइज आज का व्लॉग हम ये एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ये तो पकड़ो, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड जो चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और भाई अपने भाई की थोड़ी सी लुकिंग को इग्नोर करना है, क्योंकि भाई गर्मी ना बहुत ज्यादा हो रही है। तो भाई घर पे से रेडी होकर आता हूँ और भाई फिर सारे हेयर खराब हो जाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो गाइज मिलते हैं ऐसी खतरनाक ब्लॉग के साथ वापस, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।